कीर्ति विस्तारक देवकुल प्रतिष्ठा विदारक महाज्ञानी सुकेशी नंदन असुर सम्राट रावण पधार रहे हैं। लंका पति आपका ऐश्वर्य एवं वैभव सदा बना रहे, आपकी कीर्ति पताका ऐसी भांति लहराती रहे। आपके विचारार्थ उस उदंड ऋषि को बंदी बना लिया गया है, यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे प्रस्तुत किया जाए। जब तक उसे सामने लाया जाता है उसके अपराध का वर्णन किया जाए। हे असुर कुलभूषण, लंका में किसी भी आयोजित यज्ञ में आपके नाम की आहुति डाले बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। और उसने हमारे आदेश का पालन ना करने का दुस्साहस किया है, कौन है ये? सैनिक, तुम्हें देवताओं के समक्ष हमारी श्रेष्ठता में कोई संदेह है? ऐसा कौन सा विषय है जिसमें मैंने देवताओं को पराजित नहीं किया? परंपरा तथा मेरी संस्कृति मुझे आपके नाम की आहुति यज्ञ में डालने से रोकती है। क्यों? मैं भी संस्कृति के जन्मदाता तथा पालक महान ऋषि पौलस्त्य का पौत्र हूं तथा महान ऋषि विशर्वा का पुत्र रावण हूँ। लंकेश, वंश में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, आचरण से होता है, और आपका आचरण ऋषियों का नहीं असुरों वाला है। युवक, तुम मर्यादा और साहस की सीमा लांघ रहे हो। मैं आपके राज्य में अपनी आयु की सीमा भी लांघ चुका हूँ। मैं मृत्यु का वरण यहाँ आने से पहले कर चुका हूँ। आप असुर लोग समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करके राज करना चाहते हैं, किंतु मैं मानव हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे मेरी ये देह केवल कुछ वर्षों के लिए मिली है, मेरा दूसरा जन्म होगा। आप मुझे भयभीत ना करें, मैं यज्ञ करना भी नहीं छोड़ूंगा और आपके नाम की आहुति भी यज्ञ में नहीं डालूंगा। इस जैसे समस्त ऋषियों को हमारी राज सीमा के बाहर खदेड़ दिया जाए और इसे वधिक के पास ले जाओ और कहो कि वो इसका वध कर दे। शंभो, परशुराम, लंकापति रावण की राजसभा में तुम्हारा स्वागत है। लंकापति रावण, मैं बड़े उचित समय पर आया। मैं तो आपको विश्रवा का पुत्र समझकर यहां आया था, किंतु देख रहा हूं कि आपके ऊपर अपनी माता श्री की महत्वाकांक्षा और असुर संस्कृति विराजमान है। परशुराम, आपका इतना बड़ा उपकार है मुझ पर कि यदि आप मुझसे मेरा सिर भी मांगेंगे तो मैं ना नहीं कहूंगा। तो बस ये ऋषि युवक मुझे दे दीजिए, मैं उल्टे पैर लौट जाऊंगा। क्यों, ऐसा क्यों मित्र? हे लंकापति, मैं तो आपको अपने गुरु भगवान शिव शंभो का महान भक्त समझकर यहां आया था।
उनका ये पिनाकिन धनुष आपको देने के लिए। तो दीजिए दीजिए परशुराम, मुझसे बड़ा और योग्य पात्र इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। दीजिए परशुराम। नहीं लंकापति रावण, एक महान शिव भक्त होना और बात है और एक प्रजावत्सल राजा होना और बात। आप महान शिव भक्त अवश्य हैं, किंतु आप अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करते। आप एक न्यायप्रिय राजा नहीं है लंकेश, और इसलिए अपने गुरु का यह महान शिव धनुष मैं आपको कदापि नहीं दे सकता। मेरा यह निर्णय अटल है। किंतु परशुराम। लंकेश, अपने गुरु की आज्ञा से मैंने आप पर एक उपकार किया था, हो सके तो उसी गुरु के नाम पर एक उपकार आप मुझ पर कीजिए। यह युवक मुझे दे दीजिए। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया था, एक कायर के कारागार से मुक्ति दिलाई थी। आप नहीं जानते परशुराम, मैं इसे कितना बड़ा उपकार मानता हूं। तो फिर लंकेश, मेरे कहने पर इस युवक को जीवन दान दे दीजिए। इतने बड़े उपकार के बदले में इतना तुच्छ उपहार, एक मानव एक ऋषि के जीवन को उपहार। यही तो व्यथा है लंकापति रावण, कि आप ईश्वरीय सत्य को समझ ही नहीं रहे हैं। जीवन तुच्छ नहीं होता लंकेश, मानव जीवन इस धरती को ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार है। तो ठीक है परशुराम, मैं आपकी मांग स्वीकार करता हूं और इसे जीवनदान देता हूं। धन्यवाद लंकेश, अब जाने की अनुमति दीजिए। नहीं परशुराम, मुझे अतिथि सत्कार का कुछ अवसर तो दीजिए। नहीं लंकेश, यह संभव नहीं है, क्योंकि आपकी और मेरी विचारधारा में धरती और आकाश का अंतर है। यहां और अधिक ठहरना आपके और मेरे मध्य मतभेदों को जन्म देने के समान है। मैं भलीभांति जानता हूं लंकेश, कि मैं अपनी संस्कृति नहीं छोड़ सकता और ना ही आप अपनी असुर संस्कृति को त्याग सकते हैं, इसलिए अनुमति दे ही दीजिए। चलो युवक। जाओ नवयुवक, अब तुम्हारे प्राणों को कोई संकट नहीं। भगवान, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरे प्राण, अब सब कुछ आपके लिए हैं। आपने मेरे प्राण बचाकर मुझ पर जो उपकार किया है। मैंने कोई उपकार नहीं किया, और सत्य पूछो तो तुम्हारे प्राण मेरे कारण नहीं बचे, वो तो तुम्हारे अपने सिद्धांतों पर जो तुम्हारा विश्वास था उसके कारण बचे हैं। रावण की शक्ति की चिंता ना करते हुए तुमने अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहने का निश्चय किया, कदाचित यही बात ईश्वर को भा गई। भगवान, मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दें। नहीं नवयुवक, मुझे अपने गुरु के आदेश का पालन करना है, जो रावण के सभागार में मैं नहीं कर पाया। अब मुझे शीघ्र मिथिला नरेश जनक के पास पहुंचना है। आयुष्मान भवन।